दोस्तों, क्या खिलाड़ी कुमार की आने वाली फिल्म के गाने को बुर्ज खलीफा पे लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों, क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बहुत जल्दी ही अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि लक्ष्मी बम को लॉन्च कर दिया जाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि भैया डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। यानी कि भाई आप इस फिल्म को 9 नवंबर को देख सकते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, ये जानकारी तो आप लोगों को पता चल चुकी है और भाई इस फिल्म का ट्रेलर भी हम लोगों के सामने आ चुका है और भाई ट्रेलर ने भैया लोगों के दिलों में घर बना लिया है। यानी कि इस फिल्म को लेकर दर्शक काफी एक्साइटेड है और भाई इसी ट्रेलर में भैया अक्षय कुमार की आने वाली इस फिल्म के एक गाने के झलक को भी दिखाया गया था, आ जा तेनु दिला दूं मैं बुर्ज खलीफा। तो भैया बुर्ज खलीफा को लेकर लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई कब ये गाना लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, इसको लेकर खुलासा होता नजर आ रहा है कि भैया 9+9=18 यानी कि भैया कल ये गाना लॉन्च किया जा सकता है, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। यानी कि भैया अक्षय कुमार का जो फेवरेट नंबर है वो है 9 और 9+9=18 के हिसाब से बताया जा रहा है कि कल इस गाने को लॉन्च किया जाएगा। और इस गाने को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं अगर ऐसा होगा तो भाई ये अक्षय कुमार की फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात होगी। यानी कि भी अक्षय कुमार के इस गाने को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि भाई इस गाने को लॉन्च करने की जो तैयारी हो रही है वो हो रही है दुबई में। यानी कि भैया ये आइडिया अक्षय कुमार की तरफ से दिया गया था भैया फॉक्स स्टार हिंदी को और भाई इस फिल्म के मेकर्स को कि भैया अगर इस गाने को अगर लॉन्च करना है तो भाई इसके लिए जो सबसे बेहतरीन जगह हो सकता है तो वो हो सकता है दुबई का बुर्ज खलीफा। यानी कि भैया ये गाना जो है वो बुर्ज खलीफा के ऊपर में आधारित है तो भैया इस गाने को बुर्ज खलीफा पे ही लॉन्च किया जाना चाहिए, ऐसा आइडिया दिया था अक्षय कुमार ने। और भाई अक्षय कुमार का ये आइडिया स्टार फॉक्स हिंदी को भी काफी पसंद आया था और इस फिल्म के मेकर्स को भी पसंद आया था, लेकिन भाई ऐसा होने वाला नहीं है। यानी कि खबरें जो निकल के आ रही हैं बॉलीवुड के गलियारों से उसमें यही बात बताई जा रही है कि भैया अक्षय कुमार का ये आइडिया तो सबको पसंद आया था लेकिन भैया इस आइडिया को पूरा करने में अच्छा खासा पैसा लगने वाला था, इसी वजह से इस आइडिया को साइड रख दिया गया। यानी कि भैया ये गाना जो है वो बुर्ज खलीफा पे लॉन्च नहीं किया जाएगा, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भैया नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी अक्षय कुमार के लिए और अक्षय कुमार ने ये आइडिया दिया है मेकर्स को कि भैया हम लोग चलते हैं दुबई और वहां पर जाकर भैया इस गाने को लॉन्च करते हैं बुर्ज खलीफा पे। तो दोस्तों, ये तो हम लोगों को कल पता चल जाएगा कि भैया ये गाना कहां लॉन्च हो रहा है, क्या ये बुर्ज खलीफा पे हो रहा है या फिर इंडिया में ही इस गाने को लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, इस गाने को लेकर ये बताया जा रहा है कि कल ये गाना लॉन्च किया जा सकता है। तो वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको बुर्ज खलीफा का कितना इंतजार है और आपको क्या लगता है अगर ये गाना बुर्ज खलीफा पे लॉन्च किया जाएगा तो भाई इस गाने को कितनी पब्लिसिटी मिलेगी, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा और मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों, आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल मैडम आगे बताइए टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वरुण जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वायरल न्यूज जंक्शन को दिया है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।